मुहू मेवात के पुलिस कप्तान श्री नरेंद्र सिंह बिजारनिया द्वारा जहां सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम कराकर मेवात के भाईचारे को बढ़ाने की जो हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा इसकी पुरजोर कोशिशें हैं। ऐसे में अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, भाई ट्रैफिक व्यवस्था इन दिनों थाना प्रभारी जो यातायात जिला यातायात प्रभारी मांडीखेड़ा है अतुल कुमार सैनी की अगुवाई में लगातार ट्रैफिक की दशा और दिशा सुधारने का कार्य किया जा रहा है। अगर ट्रैफिक की बात करें तो भाई ट्रैफिक में चालानों में भी जो है बढ़ोतरी नहीं बल्कि गिरावट आई है। गिरावट क्यों आई है कि पहले ट्रैफिक नियमों के प्रति ट्रैफिक पुलिस द्वारा चौक चौराहों पर स्कूल कॉलेजों के माध्यम जो है जागरूकता पैदा की गई थी। उस जागरूकता का ये नतीजा निकला कि अब यहाँ ट्रैफिक के पुलिस के चालान जो नाके बराबर है। मैं कहूंगा कि मेवात जिले में एक समस्या होती थी, यहाँ दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहले एक्सीडेंट भारी तादाद में होते थे। इनका मुख्य कारण था कि अगर आप दोपहिया वाहन पर चलोगे तो हेलमेट वगैरह नहीं लगाते थे। ऐसे में थाना प्रभारी मांडीखेड़ा है अशोक कुमार सैनी, उनकी टीम द्वारा जगह जगह प्रयास किए गए, जगह जगह कैंप लगाए गए, लोगों को समझाया गया कि भाई आप दोपहिया वाहन चालक हैं तो हेलमेट लगाइए, हेलमेट जीवन कवच है दोपहिया वाहन चालकों के लिए और सीट बेल्ट चार पहिया वाहन चालक जरूर लगाइए। लगातार ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई। लेकिन इन्हीं के बीच में जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मेवात की जो पुलिस है वो मानवता की भी एक मिसाल है। जहां मानवता की मिसाल कायम करते हुए एसपी नरेंद्र सिंह बिजारनिया द्वारा ऐसे युवाओं को, मेवाती युवाओं को कल्चर प्रोग्राम के तहत सम्मानित भी किया गया था, लेकिन उनके मार्गदर्शन में उनकी खाती है जो मानवता की बड़ी मिसाल है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है ये साबित कर दिया जिला यातायात प्रभारी मांडीखेड़ा अशोक कुमार सैनी की टीम ने। यहाँ डीटीएल पर राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रैफिक थाना मांडीखेड़ा की बात करें तो यहाँ पर छबीली लगाकर जो ट्रैफिक प्रभारी हैं खुद अपने हाथों से राहगीरों को, लोगों को ठंडा मीठा पेयजल पिला रहे हैं। तो हमारे साथ हैं हरी भरी मेवात सॉन्ग जो एक चर्चित रहा है, काफी वायरल हुआ है और जो माननीय पुलिस कप्तान, इनका सौभाग्य है नियामत अजीत सिंगर साहब का भी माननीय पुलिस कप्तान द्वारा जिनका जो है उसको लॉन्च भी किया गया था गांधी ग्राम घासेड़ा। तो नियामत अजीत भाई क्या कहना है, एक ट्रैफिक एसएचओ जहां नियमों के बारे में बताता है, ऊपर प्लेट नहीं लगाई उनके बारे में बताता है, बात करें धड़ाधड़ चालान कर, लेकिन यहाँ मानवता की एक मिसाल देखने चली है। तो ट्रैफिक थाना प्रभारी है अपनी टीम के साथ खुद सुबह से गर्मी में, मैं तो कहूंगा कि गर्मी पड़ रही है, चलाकर मानवता की मिसाल देते नजर आए, तो क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से मेवात में बहुत है ट्रैफिक चैनल आपका। अभी अभी मैं पहले तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेवात में, जब ऐसे ऑफिसर हमारे मेवात में हैं जो इंसानियत बरकरार रखते हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं। रहा सवाल चालान करने का तो मेवात में बहुत कम हो गए, ये बाकी बहुत सारे लोगों को जाने सर हमारे मेवात के भाई सीधे साधे लोग कुछ ऐसा भी है कुछ को समझाते हैं प्यार से, यानी फिलहाल हरियाणा पुलिस के जो डिपार्टमेंट मेवात को प्यार से समझा रहे हैं वो समझ भी रहे, बहुत कम दुर्घटनाएं हुई। इसका खुशी की बात है बता, 5 या 6 दिन में या 3-4 दिन में मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो मैंने इसी डिपार्टमेंट के लिए गाना लॉन्च किया है। तो गाना लॉन्च किया है आपने अशोक भाई साहब? हाँ, तो पहले तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन ये खुशखबरी है मेवात के लोगों को ट्रैफिक पुलिस का गाना भी सुनने को मिलेगा कि हम कैसे एक्सीडेंट से बच सकते हैं, हमें क्या करना है और एक्सीडेंट से किस तरह एक्सीडेंट होते हैं वो सारी। आज ये छबी भी लगाई हुई है, मैं देख रहा हूँ सुबह से हजारों की तादाद में राहगीर हैं या हरियाणा रोडवेज की बसें हैं, तो खुद एसएचओ साहब उनमें जा जाकर जो है राहगीरों को पानी पिला रहे हैं, तो इस पहल को आप कैसी मानते हैं? बेहतरीन, सबसे अच्छी बेहतरीन पहल है। पुलिस एक मानवता का संदेश दे रही है जी, इंसानियत। तो ऐसे लोग जो खाकी को पता नहीं कौन सी नजर से देखते हैं, तो उनके लिए अपनी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, पुलिस बहुत अच्छी होती है, कभी तो 1 घंटे की ड्यूटी करके देखो गर्मी में जब जो अगर रहते हैं मॉर्निंग जब पड़ता है, ये हमें 1 मिनट में जाम लगा देते हैं, हम तो लगा देते हैं अपनी लापरवाही से, गलतियों से, मुझे पहले जाना, मगर वो 3 घंटे की कड़ी मेहनत पुलिस वाले करते हैं जाम काटने की। मैं कितने योगदान बताऊं पुलिस का, जब तक योगदान है हम सभी के साथ,
देखिए मैं देखने का इंगल है उसमें हम किस तरह एक चीज आपको बताता हूँ। मान के चलो कि आप संपूर्ण देश से पांच मिनट के लिए, पांच मिनट क्या कि एक मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल, जब से मैंने पत्रकारिता स्टार्ट की है मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक बड़ा सवाल उपज पड़ता है। कई बार ये बड़ा सवाल है कि कोई पुलिस नहीं होती तो आखिर क्या होता? हालांकि इसका जवाब मुझे खोजने को नहीं मिला, वो आपको पता है कि क्या होता अगर आती नहीं होती तो। बल्कि आप सब लोग जानते हैं कि जो गरीब आदमी है, दबे कुचले की आवाज जो बनकर खाकी उभरती है, और सही समय पर जो त्वरित न्याय दिलाने का कार्य किया जा रहा है। और मेवात की खाकी की बात करें तो मेवात के एसपी एक सामाजिक व्यक्ति है। सामाजिक व्यक्ति मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि भाई मेवात जिले में किसी पुलिस कप्तान ने नहीं सोची थी कि भाई कल्चर प्रोग्रामों को बढ़ावा दिया जाए या ऐसे ऐसे प्रोग्राम कहीं चलाए जाए। नहीं नहीं, जो अच्छे जिन लोगों ने मेवात बड़े काम किए ना, अब उन लड़कों ने जो जाने बचाई थी उनका सम्मान किया, यानी मेवात में जो कोई अच्छा करके आ रहा है उसी का एसपी साहब सम्मान। तो पुलिस आपका मोस्ट वेलकम भी कर रही है, रही बात स्वागत कर, आपका हौसला बढ़ा रही है, आपका हौसला बढ़ा रही है। आप विवाद के लिए अच्छे कार्य करिए, यानी कि बुरे काम ना करिए। तो ये एक जो है मानवता की मिसाल विवाद की खाकी की देखने को मिली है, और हर किसी को ये इन कार्यों में, मानवता के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा देना चाहिए। विवाद की खाकी आपको ये संदेश देती नजर आ रही है।